नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम उस्कर में। आपको उसका सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्लास सिक्स की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो मैंने पीछे वन ए वन बी और वन सी की कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आप उनको जाके चेक करिए, उनको देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो जिन बच्चों को हमारी सेवन्थ और एट्थ क्लास के जो बच्चे हैं, उनकी अगर क्लास में कोई सिक्स का है तो उसे ये लिंक भेजें, उसे ये बताएं कि ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। रिवीजन की तौर पर देखें, कोर्स तो थोड़ा आगे चला गया होगा, मैंने लेट सीरीज स्टार्ट की, तो रिवीजन के तौर पर देखें ज़रूर, आपके ही प्रॉफिट की बात है। तो हमने वन सी में क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए, और हाँ, जो मैंने मिक्स सीरीज का आपको प्रॉमिस किया था वो मैंने डाल दिए, तीन वीडियो डाल दिए, तीनों वीडियो को देखिए और डिटेल में समझिए। पहला वीडियो मेरा नंबर सिस्टम इंडियन में है, नंबर जो नंबर है यूज़ करना इंटरनेशनल में, और तीसरा वीडियो डिजिट कैसे बनाते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट को यूज़ करके। तो प्लीज़ इन तीनों वीडियो को देखिए, ठीक है। चलो तो हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर फोर कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में लिख रहा है कि फाइंड द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, सिक्स इन सिक्स वन फाइव टू सिक्स फाइव, ये नंबर लिखा है। तो बच्चों सभी देखिए इसको करना कैसे है। तो मैंने इसमें एक चीज डिफरेंस माना होता है तो उसमें माइनस करना, ठीक है, जो लार्जर है उसे उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करना। प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने कल बता दिया था, जो नहीं जानते वो देख ले जाके। तो देखो ये जो नंबर है ना, ये देखो सिक्स, इसमें सिक्स दो बार आए, एक ये वाला और ये वाला, दोनों की प्लेस वैल्यू लिख दें। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो पहले की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी सिक्स, इसके बाद कितने डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। ये इसकी आ गई, एक इसकी भी प्लेस वैल्यू आएगी तो इसकी भी लिख लेंगे, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये सिक्सटी, ठीक है, क्यों, इस सिक्स के पास एक जीरो है। अब उसने ये बोला इन दोनों को माइनस करना है, माइनस, ये बस ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है, फिर माइनस करते हैं। ऐसे थ्री लिखा, थ्री इन थ्री फोर सेवन वन थ्री सिक्स सेवन वन, ऐसे में दो प्लेस निकलेंगे, तो थ्री हमारा पहले ये हमारा ये और ये, तो इसका कितना हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो थ्री के पीछे सेवन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब इस थ्री के पास कितने डिजिट है, वन टू थ्री, अब वन टू थ्री, ये इन दोनों का माइनस। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे सर हमने पीछे से क्यों लगा, जब भी माइनस किया जाता है हमेशा पीछे से डिजिट लिखी जाती है, हम कभी नहीं हंड्रेड में से ऐसे कभी नहीं माइनस करते, ऐसे ये गलत है, हमेशा पीछे लिखा जाता। तो देखो पहली की प्लेस वैल्यू ये, दूसरी थ्री की प्लेस वैल्यू ये है, ऐसे ही पहले सिक्स की प्लेस वैल्यू ये है और दूसरे की ये है। तो आप कैसे बताए, रिमाइंड करके आप देख सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे, ये ज़ीरो, अब भाई इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी स्टार्ट होगा, तो ये फाइव बचेगा, ये टेन हो जाएगा, ये टेन इधर देगा, ये नाइन हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये नाइन हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा,
ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 9 हो, ये 10 हो जाएगा। अब ऐसे आगे तो देनी नहीं है, तो 10 में से सॉरी यहीं तक रहेगा, वहाँ से तो वहीं ये 10, ठीक है, यहीं माइनस, या तो माइनस हो चुका, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, ये 9 9 9 5, ये मेरा आंसर आ गया। माइनस करना तो बच्चों को आता ही होगा, ऐसे 0 0 0। अब कैसे, यहाँ देखो 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, या 9 या 9, सब जगह 9, यहाँ 2 हो जाएगा, तो बस 0, ये 10 में से 3 जाएगा 7, और ये हमारा 9 9 9 और 2, ये मेरा आंसर आ गया। इसके दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 in 9 5 2 3 1 6 5, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, इसे भी लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ करा देंगे। 4 in 8 36 45 2 4 1, ये आ गया। अब देखो हम कैसे करेंगे, 5 का सबसे लार्जेस्ट वाला, एक 5 ये है और एक 5 ये, तो सबसे पहला इसका निकालते प्लेस वैल्यू, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 50, ओके आ गया। अब इसके पीछे कोई डिजिट नहीं, तो इसका ही 5 ही रहेगा, बस इन दोनों का माइनस करना, माइनस करेंगे तो हमारा ये 9 ये 9 ये 9 और ये 9 और ये 4, और ये हमारा 10 हो जाएगा, हो गया। तो 10 में से 5 जाएगा 5 9 9 9 9 और ये 4, आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको भी देख लेते, तो एक 4 हमारा ये है, एक 4 हमारा ये है, तो पहले वाला 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद दूसरी क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। इसका माइनस करेंगे तो देखो ये 10 हो जाएगा, ये 9 ये 9 ये 9 ये 3, तो देखो ये देखो 0, अरे यहाँ यहाँ से करने ही नहीं, इसे 0 ही रखना, इसे 10 कर देना, कि 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 4 जाएगा 6, ये 9 और ये 9 ये हमारा 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंडों को, अपने दोस्तों को, अपने जहां लगता है कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारी बहन 6th क्लास में, उसे वहां तक शेयर जरूर करें, उससे भी कहें सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंडों में आगे तक बढ़ाइए इस चीज़ को, ठीक है, तभी इसको आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्स पेंडेड फॉर।
आप एक्सपेंडेड फॉर्म को समझते हैं, पहले हम क्वेश्चन सारे लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, 5, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 3, 4, 8, क्वेश्चन नंबर 3, 9, 5, 0, 8, 4, 2, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 26, 0, 5, 9, 4, 3। ये हमारे नंबर हैं, इन्हीं को क्या करना, एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये मैंने कॉमास लगा दिए जो लगे थे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था उसको खोलना है, कैसे खोलना है ये देखो। ये देखो कितनी 5 है, 5 कौन से प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। ठीक है, प्लस 2 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे है। 3 1 प्लेस पे, तो हमारा 1 लिखना या कुछ मल्टीप्लाई ना करें। ये ऐसे इस चीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। कभी आपको पूछा जाए एक्सपेंडेड फॉर्म कौन होती है, तो इस चीज़ को जो हमने यहाँ से इस चीज़ को एक्सपेंड किया है डिटेल में, वो होती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ऐसे इसको करते हैं तो 6 हमारे कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे। प्लस 4 3 हमारा कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे। 4 हमारा कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे। 8 हमारा कौन से पे, 1 प्लेस पे। 1 हम लिखें या ना लिखें एक की बात है। ठीक है, ऐसे इसमें देख लेते हैं। ये 9 कौन से प्लेस पे, लेग के प्लेस पे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 कौन से प्लेस पे, 10,000 के। 10,000 के। अब देखो 1000 के प्लेस पे कुछ है नहीं, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसे मिस कर देंगे और सीधे हम कौन से प्लेस पे आएंगे, 100 प्लेस पे। 8 × 100, और हमारा 4 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, और 2 हमारा 1 प्लेस पे है। ठीक है, ऐसे इसको एक्सपेंड करेंगे। कैसे करना है, 8 हमारा कौन से प्लेस पे, हमारा करोड़। तो 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्लस 2 कौन से प्लेस पे, 10 लेख के प्लेस पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 कौन से प्लेस, लेग के प्लेस पे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब नीचे लिख लेते उसके प्लस। अब देखो 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 के प्लेस पे हैं, तो 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब फिर 9 कौन से प्लेस पे, 100 के प्लेस पे देखो। ठीक है, ये हमारा 4 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे। 3 मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, वो ये चीज ट्रिक हमेशा याद रखे, जो डिजिट है उसे लिख लेना है, उसके पीछे जितने डिजिट उतने 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लेना ऐसे। अब देखो 5, 1, 2, 3, 4 डिजिट है, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 0 को हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, कैसे करना उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी देख लेते। राइट द नंबर हुज एक्सपेंडेड फॉर्म।
आर गिवन, देखो ये क्वेश्चन लिखा है वो कहला राइट नंबर, हमें नंबर राइट करना है जो कौन सी फॉर्म में दिए गए हैं, हमें नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए, तो कभी कभार इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, एसटी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है, ऐसे फॉर्म में भी कभी कभार लिख किया जाता। तो बस हमें क्या करना है, कितने कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, कैसे करना वो ध्यान रखना, आंसर कैसे लिखना वो ध्यान, ठीक है। तो हमें ये 5 1 2 3 4, आप बताइए ये कितना 10,000 है, 10,000 में कितने डिजिट होती हैं, तो हमारे 6 डिजिट होते हैं, 6 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मिस्टेक ना उसके लिए बता रहे हैं, तो 6 डिजिट बना ली, तो हमारा 10,000 कौन से प्लेस पे आता, हमारा इस पे आएगा 5, हमारा 1,000 हमारा कौन से प्लेस पे आएगा, ये कॉमा भी लगा दे रहे हैं, अरे ठीक है एक क्वेश्चन लिख लिया। अब इसे कैसे करना है, देखो ये कितना हमारा 10,000, 1 2 3 4 5, 5 प्लेस है, ये हमारा 1,000 4 डिजिट, ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 1 2 3 4 5, तो 10,000 कितनी डिजिट होती हैं, 5 डिजिट होती हैं, तो 5 प्लेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे हम कॉमा फिट कर लेंगे, यहाँ कॉमा लगा दिया। अब जो 10,000 कहाँ आए, हमारा इस प्लेस पे आएगा, 1,000 हमारा इस प्लेस पे आएगा, ठीक है, 100 हमारा क्या आएगा, इस प्लेस पे आएगा, और हमारा 10 हमारा 1 इस प्लेस पे आएगा, और 6 हमारा इस प्लेस पे आएगा, तो नंबर हमारा क्रिएट कौन सा हो जाएगा, 5 7 8 1 6, ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके दूसरे सेकंड क्वेश्चन पे, 7 into 1 2 3 4 5, 5 हाँ लैक प्लस 9 into 1 2 3 4 प्लस 0 1 2 3 4 3 प्लस 6 1 2 प्लस 2 10 plus 8 into 1, ये क्वेश्चन लिखा कैसे करना है, हमारा लैक लैक में कितनी डिजिट होती है, हमारी 6 डिजिट होती है, ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6, एक कॉमा लगा दिया, और देखो लैक वाला प्लेस बन गया, लैक पे हमारा 7 आएगा, 10,000 पे हमारा 9 आएगा, और 1,000 प्लेस पे हमारा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, हमारा 100 प्लेस पे 6 आएगा, और हमारा 10 प्लेस पे 2 आएगा, और 1 प्लेस पे हमारा 8 आएगा, तो ये कभी मिस्टेक नहीं होगी, ये नंबर हमारा एकदम राइट बन के तैयार हो गया, ठीक है, ये नंबर बन के तैयार हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है, ये लिखा है 60 लाख सॉरी 60 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 7, बस आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, क्या करना है,
हम डिजिट बना ले, कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट, 1 2, 7 डिजिट, 7 प्लेस बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये देखो कौन से प्लेस पे है, 6 प्लेस पे है, ठीक है, कोई दिक्कत। ही कौन से प्लेस पे होता है, 40,000, ये इस प्लेस पे होता है 40,000। ये कौन से हमारे प्लेस पे होता है, 2,000, ये इस प्लेस पे होता है, ये 100, और ये 7, 10 प्लेस हमारा कुछ है नहीं, जौन से प्लेस पे कुछ नहीं है वहाँ 0 फिट कर देंगे। तो हमारा 60,42,107, ये मेरा नंबर बन के तैयार हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, आगे क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिखा है कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बाय पुटिंग लेस देन ग्रेटर देन इन द बॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे, क्वेश्चन को पूरा राइट भी कर लेते, ठीक है, तो सही रहेगा थोड़ा करने में, है। फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन ये मेरे क्वेश्चन है। तो होता वो होता हमारा लेस लेस देन, इस सिंबल का मेरा मतलब होता हमारा ग्रेटर ग्रेटर देन। तो आपको समझना, ग्रेटर का मतलब जो नंबर बड़ा हो उसके साइड ये सिंबल लगाना, जो नंबर छोटा उसके साइड ये सिंबल लगाना। तो नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं वो हम देखते हैं, बहुत इजी मेथड है और अच्छे समझ में आए, कभी मिस्टेक नहीं हुई। तो सबसे पहले जो भी जिस नंबर से हम कंपेयर कर ले, सबसे पहले क्या करना, जिस नंबर से हम कंपेयर कर ले उसको हम काउंटिंग नंबर डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट वो ऑटोमेटिक बड़ा, आगे हम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये हमारा बड़ा हो गया। यहाँ देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ दोनों, अब वहाँ ये फंडा काम नहीं करेगा। तो अब देखेंगे, पहले इस देखेंगे इसका
ये देखो बिल्कुल सेम है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सेम है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सेम है, हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा आगे से कंपेयर करेंगे। ये देखो ये 3 है, ये हमारा 4 है। तो देखो अब 4 है तो ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है। इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों में देखो, यहाँ देखो कितनी डिजिट है हमारी, यहाँ कितनी है हमारी 3 2 5 7, यहाँ 3 2 5 7 8 डिजिट है। तो हमारा क्या, ये हमारा बड़ा हो जाएगा, 8 डिजिट वाला करने की ज़रूरत ही काउंट। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे नंबर हमारा कौन सा बड़ा है। देखें 67 कंपेयर नहीं कर सकते, 60 और 59, तो कौन सा बड़ा है हमारा, 60 बड़ा है महाराज। कच्चे बच्चे इसको देख के हमारा ये बड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। कंपेयर को नंबर हमेशा काउंटिंग करना, पहले डिजिट काउंट करने। डिजिट अगर बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट वो हमारा बड़ा। दूसरा क्या है, हम फिर डिजिट को कंपेयर करेंगे एक एक करके, कौन सी डिजिट जहाँ बड़ी निकल जाएगी वो हमारा बड़ा, या छोटा निकल आएगी वो हमारा छोटा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, रीअरेंज, क्या करना है हमारा, रीअरेंज करना है, दोबारा से अरेंज करना है द नंबर्स नंबर्स इन ईच पार्ट फ्रॉम द। लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लिख लेंगे 1 7 8 0 0 1 7 9 0 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 1 7 3 0 8, वन सेवन फोर ज़ीरो ज़ीरो। इस नंबर को हमें क्या लगाना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा ऑर्डर होता है, हमारा कौन सा ऑर्डर होता है, ब्याज है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा होगा, तो कैसे कंपेयर करते वो देखो। सभी में 17 है, इससे हमें किसी से मतलब नहीं है, इससे हम किसी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। डिजिट पहले, हाँ डिजिट काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 डिजिट है, ये तो दूर से ही दिख रहा है। दूसरा क्या, हमें नंबर एक एक डिजिट को कंपेयर करना है, एक तो 17 17 17 सभी में कॉमन है। यहाँ हमारा 8 है, यहाँ हमारा 9, यहाँ हमारा 3, यहाँ 4 है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा हमारा है, 9 है, 9। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद 8 है, ये दूसरे नंबर पर आया, उसके बाद ये 4 है हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, ये 3 है ये हमारे 4 नंबर पर आएगा। डिजिट कंपेयर हो गई, बस अरेंज करना। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, हमारा सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, ये 1 7 9 0 3, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ये आएगा 1 7 8 0 0। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, ये आएगा 1 7 4 0 0। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा हमारा, ये
तो आपने देखा होगा ये सबसे क्या हमारा लार्जेस्ट है, कौन सी तरफ जा रहा हमारा, स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारा वीडियो शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों को दोस्तों को ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। फाइव कॉमा नाइन जीरो कॉमा सिक्स सेवन टू, फाइव जीरो नाइन सेवन सिक्स टू कॉमा सेवन कॉमा नाइन्टी फाइव कॉमा ज़ीरो सेवन टू नाइन कॉमा ज़ीरो सेवन सिक्स फाइव टू। ये नंबर लिखा है, सबसे पहले क्या हम डिजिट काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सभी में मैं लगता है सिक्स सिक्स डिजिट है, ये दूर से ही दिख रहा, सिक्स थ्री टू फाइव वन सिक्स, सभी में सिक्स सिक्स डिजिट है, ये तो दूर से हमें तो दिख रहा, आप काउंट करके देख लेना। तो सबसे पहले हम नंबर कहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, देखो ये हमारा फाइव है, ये हमारा फाइव है, ये हमारा सेवन है और ये हमारा नाइन है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारा बड़ा नंबर कौन सा आएगा, सेवन या नाइन, तो सबसे पहले प्लेस पे हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये नाइन है, ये सेवन है और ये हमारा फाइव है और ये हमारा ये है। आप देखोगे ये सबसे बड़ा है तो सबसे पहले प्लेस पे ये आ जाएगा, उसके बाद हमारा दूसरे प्लेस पे ये आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कौन सा पहले कौन सा बाद में, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा, तब इससे कंपेयर नहीं कर सकते, इसे कट कर देंगे, दूसरे डिजिट मूव करें, ये नाइनटीन है या ज़ीरो नाइन है, तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, ये है, उसके बाद हमारा ये है। तो हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा हमारा, वन वाला, नाइन कमा ज़ीरो सेवन सिक्स फाइव टू, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर, हमारा दूसरा सेवन नाइन फाइव ज़ीरो सेवन टू, तीसरे प्लेस पे हमारा कौन सा ही है, फाइव नाइन ज़ीरो सिक्स सेवन टू, उसके बाद हमारा ये फाइव ज़ीरो नाइन सेवन सिक्स टू, ये हमारा लार्जेस्ट है, ये हमारा स्मॉलेस्ट की तरह मूव किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्सटी कमा ज़ीरो नाइन कमा थ्री टू ज़ीरो कॉमा एट नाइन सेवेंटी नाइन फाइव सिक्स वन कॉमा नाइन ज़ीरो 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 वन थ्री नाइन ज़ीरो 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 थ्री वन, ये हमारे नंबर हैं। नंबर के डिजिट काउंट कर लेते सभी में, वन टू, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसमें भी सेवन इसमें भी सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इसमें एट इसमें भी एट, दो में एट दो में सेवन, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा ये देख लेते हैं। तो आप पूरे नंबर को देखिए, यहाँ यहाँ किसी से कंपेयर नहीं है, ये नाइन नाइन सेवन लास्ट में थर्टीन है और थर्टी वन है, तो ये सबसे पहले हमारा ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। अब इन दोनों में कौन सबसे पहले आएगा, तो आपको लग रहा है ये हमारा सबसे पहले आएगा थ्री, ये हमारा फोर,
बस इसे अरेंज कर लेना 9000003031 का 9000001 3, फिर ये वाला हमारा 8979561, ये हाँ ऐसे कॉमन लगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला 6009320, ये नंबर हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है। यही बोला था लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको भी करा दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा दो तीन मिनट का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, कोई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है, ये नंबर दिया है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये देखो 60,40,000, यहाँ प्लस लगा 2100107। तो देखो ये लिखा है हमारा 60,40,2107, ये देखो, ठीक है, ये देखो लैख 10 लैख। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 60,40,2000, ठीक है, 107। ऑप्शन देख लेते कौन सा हमारा सही है, 60,42,170, बिल्कुल गलत, 60,42,107 ऑप्शन हमारा डी सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम इसके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी सीरीज को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।